अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त ग्रॉसरी स्टोर में, क्योंकि मुझे करनी है जी कुछ ग्रॉसरी, कुछ शॉपिंग किचन की। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक मज़ेदार सा केक। तो उसके लिए करेंगे पहले हम शॉपिंग, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाऊँगी और साथ ही लूँगी जी कुछ और मज़ीद किचन के आइटम्स। चलें शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। डेयरी आइटम के पोर्शन में, जहाँ पर मेरी मेन रिक्वायरमेंट मुझे यहीं सब कुछ मिलेगा। मिल्क ले लिया है जी मैंने, होल मिल्क लेती हूँ मैं। साथ ही मैं लूँगी इस वक्त चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट चाहिए मुझे, न्यूटेला चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मिल्क चॉकलेट मैं ये यूज़ करती हूँ, नेस्ले की हुई है। साथ ही जी मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है, मिल्क ले लिया है। दूसरा जी ये है कैल्शियम वाला मिल्क, हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों का दूध है जी ये चॉकलेट फ्लेवर का। साथ ही एग्स लेंगे हम, जो कि मेन हमारी इंग्रेडिएंट है केक के लिए। अंडे लेने के बाद जी मैं जा रही हूँ इस वक्त योगर्ट लेने के लिए। ये जी पोर्शन है तमाम योगर्ट्स का, जहाँ पर आपको सारे फ्लेवर की योगर्ट मिलेगी। मुझे इस वक्त नीड है जी नेचुरल योगर्ट की, वो मैं ले लूँगी। ये देखिए जी, ये लेफ़्ट साइड पर तमाम चीज़ के पोर्शन हैं। ये पर आपको हर टाइप की चीज़ मिलेगी। ये जी फिलाडेल्फिया, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, चीज़ केक में यूज़ करती हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। गया जी यहाँ का बेकिंग पोर्शन, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पर तमाम चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, एसेंस, कलर्स, तमाम आइटम मिल जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ जी वेजिटेबल पोर्शन में। तमाम वेजीज़ और फ्रूट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, फ्रेश भी मिलती हैं वेजिटेबल्स और जी फ्रोज़न भी मिलती हैं यहाँ पर। ये आ गए फ्रूट्स, राइट साइड पे फ्रूट्स हैं सारे। यहाँ का एक फ्रूट है जी जो हमारा मोस्ट फेवरेट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। पीच तो आपने सुना ही होगा, हर जगह मिलता है, लेकिन वो कंट्री जो होता है ना, वहाँ का अपना ही टेस्ट होता है। अब हमारे पाकिस्तान में पीच होता है, अवेलेबल होता है, बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर भी। यहाँ का पीच मैं आपको दिखाऊँगी, जिसे कहते हैं जी मेलोकोटोन, स्पेनिश में इसको मेलोकोटोन कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही डिफरेंट उसका टेस्ट होता है। ये जी यहाँ पर इस तरह से हाफ हाफ पोर्शन में रखे हुए फ्रिज में। ये आ गया जी मेलोन, जिसकी मैं बात कर रही थी। ये बहुत ही मज़ेदार और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठे होते हैं ये पारागोए के होते हैं बेसिकली, यहाँ के भी नहीं है ये तमाम पोर्शन जी रहा फ्रूट्स का। अब मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ के पान, पान कहते हैं जी ब्रेड को पाकिस्तान में। यहाँ पर ये लोग यूजुअली पान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रेड लंच टाइम में और डिनर टाइम पर। इस वक्त आई थिंक सो हाँ अवेलेबल है, थोड़े से बच गए हैं, बहुत सारे सोल्ड आउट हो गए हैं क्योंकि लंच टाइम है इस वक्त। ये देखिए, ये यहाँ की ब्रेड है, ये बहुत यूज़ करते हैं यहाँ के लोग, स्पेनिश लोग। इसमें बर्गर बना के खाते हैं, इसका बीच से कट करके इसमें जो है ना डिफरेंट वेजिटेबल्स और सॉसेजेस वगैरह रख कर भी ये लोग स्पेशली यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पर भी। ये देखिए, ये बड़े वाले हैं, लार्ज साइज़ में, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में होते हैं इनके पास। और ये आ गए जी यहाँ पर पेटीज़ हैं ये,
पेटीज़ हैं डिफरेंट, ये वेजिटेबल पेटीज़ है, स्पिनच का है, ये बहुत मज़े के होते हैं, ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। जल्दी जल्दी से अब बस मैं पे करने लगी हूँ, और क्योंकि मुझे इस वक्त बनाना है घर जाकर एक डिलीशियस केक, और आपको सिखाना भी है, इसीलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुली इंग्रेडिएंट्स के साथ, एक फुल रेसिपी के साथ आपको सिखाऊंगी चॉकलेट वैनिला केक। तब तक के लिए जी मुझे सवेर नाजिम को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।